बीच दिल्ली पुलिस ने खुजली गैंग से जुड़े दो बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोप है कि ये लोग खुजली वाला पाउडर डालकर लोगों का ध्यान भटकाते और फिर पलक झपकते उनका सामान लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इस खुजली गैंग ने इसी तरह कई लोगों को अपना शिकार बनाया और उनका सामान लेकर फरार हो गए थे। खुजली गैंग के कुछ वीडियो भी सामने आए, उनमें 1 जुलाई के इस वीडियो में सड़क से गुजर रहे एक आदमी पर गैंग का एक सदस्य खुजली वाला पाउडर डालता दिखा। जैसे ही उस आदमी पर पाउडर का असर हुआ, वो सामान सड़क के किनारे रखकर अपने शरीर को बुरी तरह खुजलाना शुरू कर दिया। उस दौरान गैंग के लोग आसपास मंडराते नजर आए। जैसे ही उस आदमी का ध्यान भटका, गैंग का एक आदमी सामान लेकर वहां से भाग निकला। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में सड़क के किनारे खड़े एक आदमी को खुजली गैंग के लोग अपना शिकार बनाते दिखे। हालांकि पुलिस ने इस गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। जो 2 जने थे जो ये काम कर रहे थे उनको पकड़ लिया है और ये दोनों जने न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल के थे। पकड़े गए आरोपियों के नाम राजेंद्र और मुन्ना बताए गए। पुलिस के मुताबिक पिछले कई महीनों से खुजली गैंग के लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक्टिव थे, इसलिए पुलिस इनसे ये पता लगाने में जुट गई कि इनके गैंग में और कितने लोग शामिल हैं।